देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, इसमें कोई दोराय नहीं कि नतीजे जो आए हैं वो एक चौंकाने वाले हैं। इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि उम्मीद किसी को नहीं थी। हम उम्मीद थी कि इस बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पर जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे काम करके दिखाएं। ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। आपको हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए, ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी मिली वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं, इसलिए जब तीन राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इसमें अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करें क्या कारण रहे होंगे। सर दिग्गज आ रहे हैं, नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काट रहे, कुछ टिकटें और काट रहे, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्यप्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर दो, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंडिंग थी तो नो ऑप्शन, इस प्रकार हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश थोड़ी थी, ना एमपी में थी, ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर, अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं?